अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सब लोगों के। मैं हुसैन, मेरे साथ होते हैं अली। आप कैसे हैं? नेपाल से जो लोग हमें देख रहे हैं सबको बहुत बहुत स्वागत। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं केपी शर्मा ओली जी, जो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल हैं। तो उनके वीडियो, उन्होंने गोदी मीडिया को एक इंटरव्यू दिया जो इंडियन मीडिया है, तो उसको हम देखते हैं। हमें बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है कि आप पाकिस्तान से हैं तो आप इस पर ज़रूर रिएक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओली जी, भारत और नेपाल हमेशा राम लक्ष्मण की तरह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि लक्ष्मण जो है वो ये कहने लगा है राम से कि अब मुझे भी बराबरी का दर्जा चाहिए और हम बराबरी के हिसाब से रहेंगे। देखिए, आपका क्वेश्चन भी बताता है कि इंडिया राम है, हम लक्ष्मण हैं। इसके कई अर्थ होते हैं। इंडिया भगवान है, हम अरे कहना क्या चाहते हो, कहना क्या चाहते। इंडिया बड़े और बड़ा भाई है, हम छोटे भाई हैं। भूगोल में, जनसंख्या में, मैं कहता हूँ साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, मगर राष्ट्र के रूप में छोटे या बड़े नहीं। ये फीलिंग रखेंगे तभी बॉस होता है। आप कह रहे हैं कि अब आप भारत को बॉस मानने से इनकार करते हैं, उसी पर बहस है। अब भारत अगर कल समझता होगा, आज भारत अपने को बॉस नहीं समझता। कि आप 68 साल के हैं, मोदी जी 70 साल के हैं, तो ऐसे भी आपके बड़े भाई कभी भी फोन उठाकर उनसे सीधे बात कर सकते। व्यक्तिगत तौर से, हाँ व्यक्तिगत तौर से वो हमसे बड़े हैं, उम्र के हिसाब से। जब हम दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे तो दो प्राइम मिनिस्टर बैठेंगे, बड़ा प्राइम मिनिस्टर छोटा प्राइम मिनिस्टर नहीं। समझ में आया क्या? कई देश के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स बहुत छोटे उम्र के हैं, अभी बहुत छोटे उम्र के। जब हम पॉलिटिक्स में लगे तब वो पैदा भी नहीं हुए थे। इस समय नेपाल कई बार ऐसा लगता है कि भारत और चीन के बीच में फंस गया है। एक तरफ चीन है, एक तरफ भारत है, और दोनों को खुश रखना है, दोनों को प्रसन्न रखना है, और ये दोनों देश आपस में बजाता जो है। एक चीज है, दोनों हमारे पड़ोसी हैं और पड़ोसी को बदला नहीं जा सकता, और हम बिल्कुल संतुलित संबंध दोनों से रखना चाहते हैं। एक का कार्ड दूसरा से खेलेंगे ऐसा नहीं है, नहीं खेलेंगे। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्त। मैं आपको भारत के लोगों का सेंटिमेंट बताना चाहता हूँ। चीन के साथ हमारा गलवान के ऊपर विवाद हुआ, लद्दाख के ऊपर विवाद हुआ, फिर बातचीत बंद हो गई, लगातार वो चल रहा है। जैसे ही वो हुआ, अचानक आपने काला पानी का के बारे में स्टेटमेंट दे दिया, आपने भी नक्शा बदल दिया, और लोगों को ये लगने लगा कि ये सब कुछ एक साथ क्यों हो रहा है, अचानक क्यों हो रहा है। और लोगों को ये लगा, भारत के लोगों को, कि नेपाल जो है इस समय, नेपाल को तो चीन के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देना चाहिए था। जैसा कि देखिए, भारत को बहुत समर्थन मिला बाकी देशों से, अमेरिका से मिला, फ्रांस से मिला, बाकी लोगों से भी, जो लोगों ने कहा सारे जो है ना चाइना के अगेंस्ट है अमेरिका में, लेकिन नेपाल ने नहीं दिया, बल्कि नेपाल ने कहा कि अब मुझे भी मेरी टेरिटरी चाहिए। आपकी बात जरा भटकाने वाली है, बुरा मत मानिएगा, भटकाने वाली, क्योंकि गलवान से हमारा लेना देना कुछ नहीं है। जरूरत नहीं है। पंगे में पड़ने रहे, मगर संदेह है आपके ऊपर। साथ में सोए हैं, नींद नहीं आएगी, क्योंकि नींद आ जाएगी, मैं सो जाऊं तो मित्र क्या करेगा? मित्र के नाम में बड़ा खतरनाक आदमी मेरे पास में सोने का बहाना कर रहा है, खतरा है, तो नींद नहीं आएगी। आपको किसके साथ अच्छी नींद आ रही है आजकल? आजकल का बात नहीं, नेपाल जो, चीन या भारत, नेपाल जो अस्तित्व में है वो संतुलित नीति के साथ, न्यूट्रलिटी, ये तटस्थता के नीति के साथ, किसी का पक्ष नहीं लेना, तो हमारा न्यूट्रलिटी अपना एक, हम किसी भी पड़ोसी के खिलाफ हमारा जमीन, हमारा आकाश इस्तेमाल करने नहीं देंगे किसी को भी। दादा छोटे, ये मजाक है क्या? नाइस स्टेटमेंट। हम चाहते हैं हमारे पड़ोसी आराम से अपने अपने विकास के काम में लगे, परस्पर में सहयोग करें, अपने रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, अपने अपने डेवलप्ड टेक्नोलॉजी शेयर करें,
और ये जमाना है एशिया का, और ये जो हमारे दो पड़ोसी महान देश हैं इनका गौरवपूर्ण इतिहास है, इनका भूगोल, इनका सिविलाइजेशन, इनका पॉपुलेशन, इनका हिस्ट्री ग्लोरियस है। मगर यहाँ के शासकों की कमियाँ और खासतौर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शुरू में जो विकास हुआ वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुआ, एशिया के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। इंजन बना हमारे खिलाफ, स्टीमर बने हमारे खिलाफ, वेपन्स बने हमारे खिलाफ, ये तो टेक्नोलॉजी का विकास था। इतना नहीं पार दुनिया के मानव जाति के लिए होना चाहिए था, हम भी साथ ही साथ आगे बढ़ते, मगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो विज्ञान प्रविधि बना के हमें सारे बेचते हैं, भाई ये लो ये जहाज भी ले लो, ये टेक्नोलॉजी भी ले लो। भारत जैसा देश लड़ो आपस में, क्या कमी था कि गरीब रहा। पिछले कुछ महीनों से जब हम आपको लगातार ऑब्जर्व कर रहे थे तो हमने ये भी देखा कि आप एक प्रधानमंत्री तो हैं, नेता भी हैं, लेकिन आपके अंदर एक हिस्ट्री का प्रोफेसर भी है, एक दर्शन का प्रोफेसर भी है, और हाल के दिनों में आपने जितने लॉजिक्स निकाले, चाहे वो काला पानी, वो भी आपने हिस्ट्री में से निकाला, वो पूरा नक्शे की बात, रामायण के बारे में आपने कहा, वो भी आपने पूरा माइथोलॉजी से और हिस्ट्री से ही निकाला, तो बहुत सारी चीज़ें आप आजकल निकाल रहे हैं। तो कई बार मुझे लगता है कि भारत के जो नेता हैं या सरकार है उसको एक प्रधानमंत्री और सरकार से नहीं, एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से भी डील करना पड़ेगा। तो इसलिए हिस्ट्री एक आपके साथ शायद हिस्ट्री पर भी वाद विवाद करने की जरूरत पड़े। अब खुलेगी, फैक्ट्स से बात करते हैं, पढ़ के सारा, अगर रिसर्च के साथ जेएनयू कुछ ऐसा डिबेट ऑर्गेनाइज करेगा तो भी ठीक होगा। भारत में 2014 के बाद जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक राष्ट्रवाद की लहर आई है, एक नया अलग माहौल बना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके नेतृत्व में आप भी वही नेपाल में करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक देश को उसका प्राइड याद दिलाना चाहिए, उसमें एक राष्ट्रवाद की भावना डालनी चाहिए, लड़वाने की कोशिश? हम गर्व करते हैं कि गायत्री, मोदी जी तो यही कर रहे हैं, गायत्री मंत्र, मंत्रों का भी मंत्र नेपाल के कोशी नदी के किनार में चतरा में कौशिक ऋषि ने लिखा था, मंत्रों का मंत्र, सर्वोच्च मंत्र गायत्री मंत्र कौशिक ऋषि ने कोशी के किनार में लिखा था। व्यास यही तपस्या करते थे, ये तपस्या ही करते थे, नहीं ये तपोभूमि तो है, तपोभूमि क्यों, ज्ञान भूमि है, ध्यान भूमि है, ध्यान का आविष्कार यहीं से हुआ था, योग का आविष्कार यहीं से हुआ था। इसलिए हमारे पास गर्व करने लायक चीजें हैं, गर्व करने के वस्तुएं हैं हमारे पास। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस कॉन्सेप्ट को अखंड भारत का कॉन्सेप्ट बनाकर आगे पुश करते हैं कि अखंड भारत होना चाहिए, फिर महाभारत अखंड भारत, पाकिस्तान का भी लेते हैं बीच में, बांग्लादेश में सीधा फिर एक बार पढ़ नहीं जी, कैसे कैसे, मुझे तो इनका इंटरव्यू देख के बहुत मज़ा आया, और आपने वो वीडियो हमारा ज़रूर देखा होगा जो एक पूरे इंटरव्यू पे बना हुआ है, तो वो भी जाके ज़रूर देखिएगा। ये तो इनके थग लाइफ था, जिन्होंने गोदी मीडिया का साथ थग लाइफ किया ना, उनको वो हिस्ट्री का बड़ा पार्ट पढ़ाते हैं ना, तो उनको ही पार्ट पढ़ा दिया। लेकिन ये है कि केपी शर्मा एक तो रिसर्चर भी है, मतलब अच्छा रिसर्च भी करते हैं, किस्म का मतलब बोल रहे थे, और ह्यूमर भी रखते हैं, मतलब उनको पता है कि कहाँ पे भाई एज गुजार दी है, चुप कराना है, अपनी जिंदगी ऐसे नहीं ना गुजार दी पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स के अंदर। वन ऑफ माय फेवरेट यार, मुझे यार मतलब जी न्यूज के यहाँ पर इस बंदे को क्रेडिट देना पड़ेगा जिसने इतने पहली बार मोहब्बत से बात की, वरना ये बंदे हमें ऐसे लैंग्वेज में नहीं नजर आते, ये आगे से पढ़ते हैं एकदम तो समझ गए होंगे। प्रधानमंत्री बैठे थे ना, प्रधान हो या हमारे प्रधान से भी करेंगे तो ये ऐसी बात नहीं करेंगे, लेकिन ये है कि इनका थोड़ा रिलेशन वहाँ पर थोड़ी रिस्पेक्ट ज्यादा है तो हम समझ सकते हैं तो सिचुएशन को, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा इंटरव्यू था,
बहुत अच्छे से ट्रोल किया बीच में जहाँ बनता था, तो मज़ा आया देखकर। तो होपफुली आपको वीडियो देखकर मज़ा आया होगा, मतलब एक फनी पार्ट में देखा हमने इस वीडियो को, ज़्यादा इसमें डीप रिसर्च नहीं मारी। तो फिर मिलते हैं हम इसी तरह नेक्स्ट वीडियोज़ के साथ। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।